हेलो मेरे प्यार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे टॉपिक and... से क्वेश्चन में आपको अकॉर्डिंग टू बी ग्रेड होता है कितने प्रकार फंडामेंटल डेविएशन होता है और इसको किसे डिनोट करते हैं और इस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है जैसे इस प्रकार का दे देगा आप क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों किस प्रकार का फिट है दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम दिया हो जैसे इसरो बार के NPCIL, सेल का एग्जाम दिया हो तो खासकर सेल का एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है अगर एन टी पी सी का दिया होगा तो उसमें भी इससे इस, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है आप इसको देखते ही सॉल्व कर देंगे कि ये किस प्रकार का पीट आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और दोस्तों वीडियो का लास्ट में मैं तेरह एम सी क्यू कराया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एम सी क्यू है जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा दोस्तों वीडियो को वीडियो को अंत तक आप लोग देखिए यदि दोस्तों आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए चले दोस्तों बिना देरी की वह शुरू करते हैं तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कि इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स दोस्तों अकॉर्डिंग टू तो बी आई एस अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू बी आई एस के अनुसार हमारे पास अठारह ग्रेड्स ऑफ टोलर टोलरेंस

इसके बाद सोलह तक होता है तो कितना दो हो गया और सोलह कितना टोटल अठारह टोलेंस ग्रेड होता है उसके बाद दोस्तों आई टी फाइव से लेकर आई टी सोलह तक जनरली यूज होता है इसको बोलते हैं ठीक है ये दोस्तों इसमें क्या होता है जब आप टोलरेंस ग्रेड निकालेंगे तो उसमें एक आपको स्टैंडर्ड टोलरेंस यूनिट निकालना पड़ता है ठीक है स्टैंडर्ड इसको बोलते जो आई है इसको बोलते हैं

और ये निकालेंगे तीस और गुने पचास ऐसा करके हम निकालेंगे इसका तो निकाल लेंगे बाद यहाँ पर इसको वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद हम आई का वैल्यू निकाल लेंगे अभी दोस्तों जब ये आई का वैल्यू हम इससे एक रिलेटिव मैग्नीट्यूड टोल आता है ठीक है वहां से आप देखेंगे कि कि ये किस प्रकार जैसे मान के, के चलिए आई टी ये जीरो वन है मान लीजिए आपको एच सिक्स दे दिया गया ठीक है तो इसका टोलेंस गेट कौन सा हो गया आई टी सिक्स हो तो गया आई टी सिक्स में देखेंगे कि रिलेटिव मैग्नीट्यूड इसका कौन सा है ठीक है उसको दोस्तों हमें आगे में अच्छे से डिस्कस करेंगे चलिए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं ठीक है यहाँ पर यहाँ तक दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि हम टोलेंस ग्रेड टोलेंस ग्रेड कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं आई टी जीरो आई टी वन आई टी वन से लेकर आई टी सोलह तक होता है स्टैंडर्ड टोलरेंस यूनिट बोलते हैं दोस्तों ध्यान में रखेंगे ई को क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन डायमीटर बोलते हैं ठीक है दोस्तों और ये देखिए कभी कभी दोस्तों क्या होता है ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों हमें वही पढ़ना है जो कि एग्जाम में आएगा ज्यादा कुछ इधर उधर का नहीं पढ़ना है बस यही मैं इस पर इस पर इस में वीडियो को बताऊंगा कि आपको क्या मैंने कौन कौन सा एग्जाम है वो सिर्फ उची को कवर किया ठीक है दोस्तों ध्यान में रखेंगे और दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं देखिए अगर देखिए दोस्तों अगर जीरो वन और देखिए अगर मान लीजिए कि आई टी फाइव आई टी सेवन इसके लिए जो होता है उसके लिए हमें बता दिया आपको क्या होगा फॉर्मूला फॉर्मूला दोस्तों ये वाला फार्मूला होगा ठीक है ये वाला फॉर्मूला अगर देखिए डायरेक्ट अभी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है आई टी जीरो वन का देखिए आई टी जीरो वन का वैल्यू अगर ये वाला दे देगा अब ऑप्शन में दे देगा बोलेगा कौन सा सही होगा इसमें इजी में कुछ वेरिएशन करके दे देगा दे उसी पर आई जीरो का मान दे देगा दे आई जीरो के बारे में पूछ लेगा ये वाला दे देगा दे इसी पर कर दोस्तों ये आपको क्या करना पड़ेगा कर? रटना पड़ेगा दोस्तों रटना पड़ेगा नहीं तो अगर रटना नहीं चाहते हैं तो वही एक है, है आप जो ये जो फार्मूला जो मैंने बताया फार्मूला के द्वारा आप इसको याद कर सकते हैं तो दोस्तों दोस्तों

इसके बाद दोस्तों क्या होता है इसके बाद हम तो टोलेंस ग्रेड समझ गए अब अकॉर्डिंग टू बी के अनुसार ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के अनुसार हमारे पास ट्वेंटी फाइव फंडामेंटल डेविएशन होता है ठीक है तो ट्वेंटी फाइव फंडामेंटल डेविएशन होता है ठीक है वो कौन कौन सा होता है देखिए दोस्तों आपको ए बी सी डी का लेटर पूरा याद है ठीक है ए से आप लोग जेड तक याद है ठीक है आपको ए से जेड तक याद है इसमें से आप क्या कीजिए आई को हटा दीजिए ओ को हटा दीजिए एल को हटा दीजिए क्यू को हटा दीजिए डब्ल्यू को हटा दीजिए इसके जगह पर दोस्तों क्या रख देंगे आप जेड एस रख देंगे जेड ए रख देंगे जेड बी रख देंगे और जेड सी रख देंगे देखिए ये तो दोस्तों हो गया ये कितना हो गया चार हो गया हम पांच इसमें से हटा दे तो हमारे पास कितना हो गया ये इक्कीस हो गया और ये चार को जोड़ देंगे तो कितना होगा पच्चीस यही दोस्तों यही पच्चीस होता है ठीक है आपको इतना आपको याद रखने के लिए ये सबसे इजी तरीका है आपको छब्बीस लेटर याद होगा ये से लेकर जेड तक उसमें से आपको ये लेटर हटा देना है बाकी ये लेटर को उसमें ऐड कर दीजिए उसके बाद ऐड करने के बाद देखिए ये दोस्तों किसके जे के जे के पास में आएगा जे के पास में आएगा कि नहीं दोस्तों ये वहां पर आ जाएगा बाकी जो लास्ट में जेड के पास ये जेड़ हो अब दोस्तों जो जो होल के लिए हम जो फंडामेंटल डेविएशन यूज करते हैं वो हम कैपिटल लेटर से यूज करते हैं कैपिटल लेटर से दोस्तों पर, ये इसके भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हम फंडामेंटल डेविएशन फॉर होल को हम किस मैंने कैपिटल लेटर में यूज करते हैं या स्मॉल लेटर में यूज करते हैं या दोनों लेटर में यूज करते हैं या उसके साथ नंबर यूज करते हैं दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन यही सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है इसमें से क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट वैल्यू देगा और पूछेगा कि ये कौन सा वैल्यू होगा इसमें से दोस्तों अगर और, और साफ के लिए फंडामेंटल डेविएशन ड़िवेस, कौन सा है होगा के के लिए देखिए दोस्तों के लिए ये दोस्तों ये हम गलती लिख दिए होल होगा ठीक है दोस्तों देखिए हम पहले बता चुके हैं कि होल के लिए क्या होता है होल के लिए हमारा कैपिटल लेटर यूज होता है और साफ के लिए हमारा स्मॉल लेटर यूज होता है ध्यान में रखेंगे दोस्तों साफ के लिए हमारा कौन सा यूज होता है स्मॉल लेटर और होल के लिए हमारा कैपिटल लेटर यूज होता है मैं एक बार यार दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा गलती लिखा गया है साफ के लिए साफ के लिए हमारा स्मॉल स्मॉल लेटर ही लेटर टू 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 उसके बाद सर होल के लिए क्या होगा हमारा ए से लेके ए, ए से लेके सी तक ये हमारा कैपिटल लेटर में यूज होगा तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यही होता है देखिए ये रिलेटिव टॉलरेंस तो ग्रेड देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए आपको आपको देखिए ये H6 दे, दे इसका मतलब कितना हो 6 हो, होल का कितना होगा होगा का है हाँ है है ठीक 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 पर कौन सा हम कर रखेंगे I रखेंगे I, तो अब को निकालने के लिए हमको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए जो हम प्रीवियस में आपको बता चुका हूँ ठीक है वहीं से आपका स्टैंडर्ड ये होगा यहाँ पर इसका वैल्यू एच का वैल्यू आप यहाँ पर लेंगे दोस्तों यहाँ से निकाल लेंगे

ये ध्यान रखेंगे इसको अभी आप क्या करेंगे रट जाएंगे दोस्तों अगर आप इसका पी चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका डिस्क्रिप्शन जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि दोस्तों आप मेरा प्रीवियस प्रीवियस जो वीडियो में डाला हूँ जिस पर हम लिमिट फॉर फिट एंड टोलेंस पढ़ा चुका हूँ और फंडामेंटल डेविएशन लोअर डेविएशन सब कुछ मैं ऑलरेडी कैप्चर मैंने उसमें कर दिया हूँ पढ़ा दिया हूँ ठीक है तो उसको अगर आप लोग वीडियो देखना चाहें तो उसको आप लोग देखेंगे देख सकते हैं उसमें आप लोग को और अच्छा समझ में आएगा डेविएशन 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 मीन क्या होता है अगर वो वो देख लेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा ठीक है दोस्तों दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए इसके बाद दोस्तों देखिए दोस्तों हमारे एग्जाम में क्या होता है बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है ऐसा पूछ देगा ठीक है तो एच सेवन ई सिक्स ये बोर्ड पूछ देगा कि ये किस प्रकार का फीट है दोस्तों आपको देखने में लग रहा है कि किस प्रकार अगर आपको ये पता नहीं है तो आप क्या करेंगे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में कि किस प्रकार का फीट है मैं दोस्तों अभी इस प्रकार से ऐसे बताऊंगा कि जैसे आपको कन्फ्यूज नहीं करना है चलिए दोस्तों ये ये मेरा क्या है ये मेरा दोस्तों क्या है ये बेसिक साइज है ये क्या है बेसिक ये क्या है मेरा बेसिक साइज है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों ये क्या है देखिए ये बेसिक साइज के जो ऊपर है एक ऊपर एक टोलरेंस जोन हमारा निर्धारित किया गया एक बेसिक साइड बेसिक साइज के एक नीचे टोलरेंस जोन

एम एन यही ये क्या होता है दोस्तों ये ट्रांजिशन फिट होता है दोस्तों ये क्या होता है ट्रांजिशन फिट उसके बाद दोस्तों पी से लेकर हमारा जेड सी तक ये क्या होता है ये मेरा दोस्तों होता है इंटरफ्रेंस फिट इंटरफ्रेंस फिट इंटरफेरेंस फिट दोस्तों ये क्या करेंगे इंटरफ्रेंस फिट होता है उसी पर अगर दोस्तों हम साफ के लिए चलेंगे ए से लेकर जी तक क्या दोस्तों होगा ए से लेकर जी तक हो हमारा क्या होगा ये होगा दोस्तों क्लियरेंस फिट क्लियरेंस फिट ठीक उसी पर एस से लेकर हम एन तक क्या होगा मेरा ये ट्रांजिशन फिट होगा ये ट्रांजिशन फिट होगा

उसी बार पी से लेकर दोस्तों पी से लेकर जेड सी तक ये क्या होगा दोस्तों हमारा इंटरफ्रेंस पीट होगा और देखते हैं ए से लेकर क्या होगा ए से लेकर जेड ए से लेकर जी तक कैपिटल लेटर दोस्तों कैपिटल लेटर ये जब कैपिटल लेटर की बात होगा तो क्या होगा वो होल वैसे सीटम होगा होल होगा ठीक है होल के लिए हम बात कर रहे हैं अगर स्मॉल लेटर जब वहां पर होगा वहां पर हम साफ्ट के लिए बात करेंगे ध्यान में रखेंगे ठीक है दोस्तों एस SO जी तक जो होल के लिए जो कैपिटल लेटर है ये क्या होगा क्लियरेंस फिट बताएगा उसके बाद जो एच जो ये जो क्या है ये हमारा बेसिक होल बताएगा, जे बताएगा। तक, के के और जे एस से लेकर ये भताएगा? भताएगा, हमारा जे एस से लेकर हमारा एन तक ट्रांजिशन फिट बताएगा पी से लेकर जेड सी तक ये हमारा क्या बताएगा इंटरफ्रेंस फिट बताएगा उसी प्रकार एस से लेकर जी तक साठ के केस में हमारा क्या बताएगा क्लियरेंस और जे एस से लेकर ये एन तक क्या बताएगा ट्रांजिशन बताएगा फिट बताएगा एच जो होगा ये हमारा स्मॉल एच ये बेसिक साफ्ट होगा

और ये जो स्मॉल लेटर के साथ जो हमारा ये जो नंबर लगा रहेगा ये हमारा साफ के लिए टोलरेंस ग्रेड है ठीक है दोस्तों याद रखेंगे ठीक है अब अब हमने अब हमको बताना था कि जो जिसे सो एच सेवन और जी सिक्स ये किस प्रकार का फीट है देखते हैं आपको बताना है दोस्तों देखिए ये जो एच है ये एच जो है देखिए टोलेंट जोन के पास कहाँ लाइक कर रहा है तो ये देखिए टोलेंट जोन पर जस्ट लाइक कर रहा है इसका लोअर डिविशन क्या होगा जीरो हम देखेंगे जी जी जो है जी हमारा किस प्रकार का ये देखिए ये जो टोलेंस जोन है अब देखिए ये दोस्तों दोस्तों ये जो इसका क्या है गैप है ये देखिए इसका देखिए हम जो पढ़ा कि जब पढ़ाए हैं जब टोल जोन ऑफ साफ टोलेंट जो होल और टोलेंट जो सात का देखिए जब होल का जोन के जोन से तो तो के से ऊपर होगा तो किस प्रकार का फिट बनाएगा उसी प्रकार दोस्तों मान लेते हैं कि जिस तो यहाँ पर क्या देगा मान लीजिए दे, यहाँ पर दे देगा पी सिक्स तो यहाँ पर दे दिया मान लीजिए क्या दे, दे दिया आपको देखेंगे यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए पी सिक्स दे दिया दोस्तों ये देखिए और ये है यहाँ पर

ये आर दे दिया आर सिक्स दे दिया उसके बाद दोस्तों क्या किया ये ये, ये दे दिया हमारा दे दिया ठीक है और ये पूछेगा कि ये किस प्रकार का फीट है ये जो आर देखेंगे अब देखिए ये ये जो आर क्या है ये, है कैपिटल लेटर रहता होल के बारे में बात की रहे है ये होल का देखेंगे टोल जोन की इधर पड़ता है तो ये बेसिक साइज के ये नीचे पड़ता है देखिए ये जो होगा टोल जोन क्या है नीचे है ठीक है और देखेंगे इधर देखेंगे आर ये जो साफ का टोलेंट जोन है ये क्या है इसका और इसका टोल जोन देखेंगे देखेंगे तो हमने जब हमने आपको पढ़ाया है कि जब टॉलरेंस जोन साफ का टॉलरेंस जोन होल का जोन से ऊपर होगा तो ये किस प्रकार का फिट दोस्तो? बनाएगा दोस्तों इंटरफेरेंस फिट बनाएगा इंटरफेरेंस फिट बनाएगा इंटरफेरेंस फिट बनाएगा दोस्तों इस प्रकार का दोस्तों एग्जाम में हमेशा पहले तो जो एक आई एग्जाम हुआ था तो पर उसमें क्वेश्चन पूछा दिया गया था उसमें ये भी पूछा

फंडामेंटल अगर दोस्तों आपको नहीं पता है कि फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है ठीक है और क्लियरेंस फिट क्या होता है और ट्रांजिशन फिट क्या होता है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों एक बार फिर से थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ यदि यदि क्लियर फिट का मैं समझा रहा हूँ यदि क्लेंस फिट में क्या होता है होल का टोलरेंस जोन होल का टोलरेंस जोन साफ्ट का टोलरेंस जोन से क्या होता है होल का होल टोलरेंस जोन क्या होता है ये साफ्ट देखिए देखिये टोलरेंस जोन ये साफ्ट होल का टोलरेंस जो साफ का टोलरेंस जोन हमेशा क्या होता है ऊपर होता है ट्रांजिशन फिट में क्या होता है वो ओवरलेप कर जाता है वो क्या दोस्तों ओवरलेप कर एक दूसरे के बीच क्या होता है ओवरलेप कर जाता है इसी प्रकार दोस्तों इंटरफ्रेंस फिट में क्या होता है इंटरफ्रेंस फिट में साफ का जो टोलरेंस जोन होता है वो होल का टोलरेंस ये मेरा मान लीजिए ये मेरा क्या हो गया होल का हो गया साफ का टोलरेंस जोन कहाँ लाई करेगा यहाँ पर लाई करेगा ये उसके ऊपर हो गया उसी प्रकार क्या होगा मान लीजिए ये दोस्तों हमारा होल का टोलरेंस जोन हो गया ये हमारा साफ का टोलरेंस ये दोस्तों साफ का ट्रोलोन कह दो दूसरे के बीच में ओवर लेफ्ट कर जाएगा ओवर लेप्ट कर हो सकता है अगर दोस्तों जब हमारा क्लियर फिट के बारे में बात करती है ये मेरा होल काट्रोल साफ का कैप होगा किस प्रकार का दोस्तों क्लियर फिट बना देगा क्योंकि आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर थोड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाया हूँ दोस्तों पर क्या क्या डिनोट डिनोट कर कर रहा है किसको किसको कर? अगर दोस्तों आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं ये दोस्तों क्या कर रहा है ये बेसिक साइज डिनोट कर रहा है ये क्या कर रहा है मेरा फंडामेंटल डेविएशन डिनोट कर रहा है ये जो कह रहा है टोलरेंस ग्रेड ये जो आई का दोस्तों ये फुल फॉर्म क्या होता है इंटरनेशनल टोलरेंस ग्रेड ठीक है दोस्तों उसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों क्या ये देखिए स्मॉल लेटर स्मॉल लेटर हम किसके लिए बताएंगे फंडामेंटल डेविएशन अब फंडामेंटल डेविएशन ऑफ साफ्ट के लिए ठीक है जो कि ये स्मॉल लेटर डिनोट 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 कर कर रहा है। ये कर रहा है denote denote रहा है क्या टोलरेंस की आई टी आई टी मतलब इंटरनेशनल टोलरेंस ग्रेड याद रखेंगे अब दोस्तों ये दोनों को जब हम मिला दिए इसको देखो दोस्तों ये दोनों का बेसिक साइज क्या है एक ही है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों पचास एच एट और इसको हम एफ सिक्स एक, एक अब दोस्तों इसको हमें बताना है कि किस प्रकार का फिट है तो दोस्तों ये क्या है देखिए ये जो क्या है और ये देखिए ये क्या है ये से ठीक है ये इसके भी ये कौन सा फिट बना है क्लियरेंस फिट नीचे होगा और ये क्या है दोस्तों उदम बेसिक साइज पलाई कर रहा है तो मतलब ये दो, ये दोनों किस प्रकार का फिट होता है क्लियरेंस फिट हो, दोस? हो जाएगा दोस्तों क्लियरेंस फिट हो जाएगा अब दोस्तों एक बात करना है कि ये जो दिया गया है अगर मेजरिंग टूल के लिए हमें कौन कितना टोलेंस ग्रेड यूज करते हैं और जीरो एक से लेकर हमें सेवन तक क्या होता है ये हमारे मेजरिंग टूल के लिए होता है टोलेंस ग्रेड दोस्तों एक बार थोड़ा इसको मिटा देता हूँ ठीक है दोस्तों दोस्तों हम समझते हैं ये जो देखिए टो, टोलेंस गेट के बारे में समझते हैं कि देखिए हम ये कौन कौन से देखिए मेजरिंग टूल के लिए हम कितना से कहा तक से कहां तक हम टोलेंस गेट यूज करते हैं मटेरियल के लिए उस पर मटेरियल के लिए हो गया उस पर फोर फीट के लिए और हमारा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग टोलेंस के लिए ठीक यहाँ दोस्तों देखेंगे ये जो जीरो वन से लेकर सेवन तक हमारा किस लिए होगा मेजरिंग टूल का जब होगा मेजरिंग टूल मेजरिंग टूल के लिए हमारा कौन सा है आई टी जीरो वन से लेकर आई टी जीरो सेवन तक ठीक तो है बारे में बात करेंगे तो आई टी फाइव से लेकर आई टी हमारा इलेवन तक यूज होता है ठीक है अगर हमको लार्ज मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस चाहिए तो हम ट्वेल्व से लेकर हमें सोलह तक यूज करते हैं ठीक है यह ध्यान रखेंगे इससे भी रिलेटेड हमारा एग्जाम में क्वेश्चन हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से समझते होंगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों इससे तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन होता है ये जो हमारा एक इसमें तो क्या बोलता हूँ ये जो आई

इन दी होल इन दी होल साफ्टियर है।, है और 9 है क्या डिनोट करेगा ये दोस्तों टॉलरेंस ग्रेड डिनोट करेगा टॉलरेंस तोलर, टॉलरेंस ग्रेड टॉलरेंस ग्रेड डिनोट करता है इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड डिनोट करता है दोस्तों क्या डिनोट करेगा दोस्तों बेसिक साइज डिनोट करता है बेसिक साइज ऑफ साफ्ट एंड होल का देखिए

इसका इसके फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम मेटेरियल लिमिट मैक्सिमम मेटेरियल लिमिट एक बार दोस्तों पहले एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझ लेंगे थोड़ा फिगर से हम इसको समझ लेते हैं दोस्तों मान लीजिए ये आपके पास क्या है ये ये आपके पास क्या है एक बार ये समझ लेंगे तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और LML और एमएमएल दोनों क्वेश्चन एल एम एल का फुल फॉर्म होता है लिस्ट मेटेरियल लिमिट ठीक है दोस्तों ठीक है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये मेरा ये क्या है साप का टोल जोन है ये क्या है साप का जोन है ठीक है साफ का टोलेंस जोन है दोस्तों इसका मैक्सिमम मटेरियल लिमिट कितना होगा बताइए आप आप ही खुद बताइए इसका मैक्सिमम मटेरियल लिमिट क्या होगा ये वाला होगा दोस्तों ये क्या होगा ये वाला दोस्तों ये होगा ठीक है और इसका मिनिमम इसका इसका जो मिनिमम मटेरियल लिमिट मेटेरियल है दोस्तों तो ये है ठीक है अगर दोस्तों यहाँ पर होल होगा ठीक है ये होल दोस्तों होल में हम कहाँ से बात करेंगे दोस्तों होल में कहाँ से कर हम ऊपर से आएंगे ऊपर से दोस्तों कौन सा मैक्सिमम मटेरियल लिमिट होगा ये वाला मैक्सिमम मटेरियल लिमिट होगा ठीक है और ये जो क्या होगा ये मेरा मिनिमम मेटेरियल लिमिट होगा ये मेरा क्या होगा मिनिमम मेटेरियल लिमिट होगा ये क्या होगा दोस्तों मेरा मिनिमम तो ये ये, lower, lower ये क्या है दोस्तों हमारा लोअर लिमिट है ये लोअर लोअर लिमिट ऑफ है ये क्या है अपर लिमिट अपर लिमिट ऑफ साफ्ट इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों क्या अपर लिमिट ऑफ होल दोस्तों यहाँ पर सॉरी दोस्तों मैं थोड़ा बोलते बोलते मैं बोल देता हूँ होल और साफ्ट में थोड़ा दोस्तों क्या ये होल है तो ये क्या है अपर लिमिट ऑफ होल है ये क्या है लोअर लिमिट ऑफ होल है ठीक है इसका जो मैक्सिमम मटेरियल लिमिट होगा ये होगा मैक्सिमम और ये मिनिमम मेटेरियल लिमिट क्या हुआ ये होगा मेरा मिनिमम मेटेरियल लिमिट दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया एम बोला गया तो एम में दोस्तों क्या है मतलब लोअर लिमिट ऑफ होल क्या होगा लोअर लिमिट ऑफ होल और देखिए इसमें क्या होगा मैक्सिमम देखिए और एम एम एल मैक्सम मटेरियल लिमिट इसका कौन सा होगा ये दोस्तों क्या है अपर लिमिट ऑफ साफ्ट है ये क्या है लोअर लिमिट ऑफ साफ्ट है पर क्या है मेरा सर ये क्या है लोअर लिमिट लोअर लिमिट क्या लोअर लिमिट ऑफ साफ्ट है

हाँ, का लोअर लिमिट ऑफ होल लोअर लिमिट ऑफ होल दोस्तों हाँ ये लोअर लिमिट ऑफ होल हो जाएगा फिर देखेंगे लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट होगा नहीं लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम डायमीटर लिमिट में क्या अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट होगा तो नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर से कट हो जाता है पर हायर लिमिट ऑफ होल दोस्तों यहां पर क्या है हायर लिमिट ऑफ होल ये भी तो नहीं होगा दोस्तों कट गया यहीं पर लोअर लिमिट ऑफ होल ये दोस्तों होगा लोअर लिमिट ऑफ होल ठीक है लोअर लिमिट ऑफ और हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट दोस्तों हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट ऑफ कोर्स यही होगा आंसर कौन सा होगा दोस्तों ये वाला आंसर होगा और वहां से मचा एल एम एल का फुल बहुत होता है लिस्ट लिस्ट मेटेरियल मेटेरियल लिमिट लिस्ट मेटेरियल लिमिट या मिनिमम लिमिट ये होता है देखो देखो पर दोस्तों पोल के केस में पोल के केस में क्या होता है दोस्तों हम ये हमारे पास मैक्सिमम मेटेरियल है ये हमारे पास क्या है मैक्म मेटेरियल हमारे पास इतना मेटेरियल मैक्सिमम मिनिमम कितना बचा है दोस्तों तो ये हमारे पास मिनिमम बचा है ये जो है ये दोस्तों क्या है ये हमारा लोअर लिमिट ऑफ साफ ये हमारे दोस्तों क्या है लोअर लिमिट ऑफ पर

तो दोस्तों हमें यहाँ पर देखें हायर लिमिट ऑफ होल ये सही होगा ठीक है दोस्तों जो भी होगा मतलब हायर लिमिट लोअर लिमिट वाला दोनों होल का हायर लिमिट ऑफ होल पीछे तो आपको थे। पर दोस्तों क्या होगा देखिए यहाँ पर मटेरियल क्या होगा मिनिमम वाला होगा तो इसको यहाँ पर हम दो चीज देखें लोअर लिमिट ऑफ साफ कहाँ पर है ठीक है दोस्तों यहाँ पर हायर लिमिट ऑफ साफ है हम काट देंगे हायर लिमिट ऑफ होल ये तो चलेगा

मीन्स दैट इसके मतलब कि दे? यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन दिया है एक्चुअल साइज बेसिक साइज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल साइज बेसिक साइज दिया है. तो हम दोस्तों ये क्या बताया आपको बताएं बताए क्या होता है दोस्तों बेसिक साइज होता है क्या होता है बेसिक साइज तब दोस्तों देखिए एग्जाम में पूछा पता है पूछा गया एग्जाम में तो इसका क्या होगा एक्चुअल साइज नहीं होगा दोस्तों अगर देखिए एक्चुअल साइज और बेसिक साइज में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों एक्चुअल साइज जो होता है एक्चुअल साइज हमको जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो दो डायमेंशन प्राप्त होता है तो बोलते हैं हम एक्चुअल साइज बोलते हैं जो ड्रॉइंग पर रहता है हम टोलेंस निर्धारित कर, कर रखते हैं मान लीजिए बेसिक साइज हो गया मान लीजिए 50 हो गया इस पर हम टोलेंस कुछ करेंगे जीरो पॉइंट फाइव ये हमारा क्या होगा ये मेरा बेसिक साइज होता है और जो हमें वन के जो प्रोडक्ट फाइनली मिलता है वो हमारा होता है एक्चुअल साइज याद रखेंगे ये क्या है बेसिक साइज होगा ये जो सब यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है ये बेसिक बेसिक साइज डिनोट कर रहा है तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ चुका है तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं यहाँ पर ले लिया हूँ दोनों ये देख ये भी दोस्तों क्या है स्टेट कर रहा है पचास क्या है पर डिनोट करेगा ये भी दोस्तों क्या है बेसिक साइज डिनोट करेगा बेसिक साइज डिनोट करेगा अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब क्वेश्चन को ढूंढ़ ढूंढ़ के ऐसा क्वेश्चन आने में बहुत तो जरूर कीजिए आपके द्वारा

और ई एस जो होता है ये साफ के लिए अपर साफ के लिए अपर डिवीजन तो दोस्तों उसी पर अगर दोस्तों एक है, आता है टर्म ई आई ई आई जो होता है ये लोअर डिवीजन के लिए होता है लोअर डिविशन के लोअर डिविजन ऑफ होल लोअर होलिजन ऑफ होल और इसी जो इस स्मॉल लेटर में लिखा होगा तो ये क्या होगा दोस्तों ये साफ के लिए होगा साफ के लिए साफ के लिए लोअर डिवीजन ध्यान रखेंगे जहां पर कैपिटल लेटर आएगा पहले होल के लिए होगा और ई होगा तो वो अपर डिवेशन अगर ई आई होगा

तो है ये नहीं है दोस्तों यहाँ पर आंसर कौन सा हुआ? ये होगा ठीक एज पर बी आई एस सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फीट ये भी दोस्तों क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है प्रीवियस ईयर क्या पूछा नहीं, नहीं। एच पर सिस्टम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट आर देयर आर हार ग्रेड ऑफ टॉलरेंस रिप्रेजेंट बाय नंबर ये दोस्तों पूछा गया है देखिए हमने क्या बताया था दोस्तों आई टी हीरो कौन से लेकर सोलह तक आपको बताया था क्या बताया था सोलह तक यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आई टी जीरो तो होगा नहीं दोस्तों आई टी जीरो आई टी वन से तो होगा नहीं ये भी नहीं होगा आई टी जीरो वन आई टी जीरो भी नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा आई टी जीरो वन होगा इसमें आई टी जीरो आई टी वन से आई टी सोलह के बीच ये दोस्तों इसका दोस्तों दोस्तों में घुमा घुमा के क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया इसीलिए आप लोग तो तो, तो दोस्तों ये भी मैं आपको बताया था ना कि ये आपको बताया था, आप था? वहां पर दोस्तों बताया था हमको जीरो टू पांच सौ में बताया था दोस्तों क्या बताया था जीरो टू पांच सौ में तो कहीं पे क्या, क्या, क्या क्या होता है पांच सौ ये भी दिया होगा तो आप मारेंगे अगर ये भी दिया होगा तो आप मारेंगे दोस्तों यहाँ का क्या है जीरो टू पांच सौ एम ये होगा इसके आंसर

ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आई टी जीरो वन से फोर के लिए किसके लिए होगा हमारा गेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम दोस्तों बताए वहाँ पर एक बार जब हमारे पास ऐसे था तो वहाँ पर बताया था कि ऐसे आई टी जीरो तक ये से से ग्यारह तक शायद फिट के लिए शायद तो लार्ज बताया था दोस्तों वही बात यहाँ पर भी आई टी फाइव से लेकर आई टी सेवन तक तो और फीट इन प्रिसीजन इंजीनियरिंग जब हमको बहुत ही शुद्धता चाहिए तो हम आई टी फाइव से लेकर आई टी सेवन तक यूज करेंगे आई टी एट से लेकर आई टी एगारह तक हमको जनरल इंजीनियर यूज होता है जनरल मतलब जनरल मतलब जनरल यूज होता है आई टी बारह से लेकर आई टी चौदह तक जनरली ये हमारा सीट मेटल जब वर्किंग करते हैं प्रेस वर्किंग करते हैं तो वहाँ पर यही यूज होता है आई टी ट्वेल्थ से लेकर आई टी फोरटीन तक ठीक आईटीन फिफ्टीन से लेकर आईटीन सोलह तक क्या होगा फॉर प्रोसेस लाइक कास्टिंग कास्टिंग करेंगे जनरल कटिंग करेंगे तो वहाँ पर आई टी फिफ्टीन से लेकर आई टी तो ये रटने पड़ेगा आपको रटना पड़ेगा तो मैं ये इस टॉपिक से जितना क्वेश्चन जितना पढ़ा दिया हूँ इससे इससे आगे क्वेश्चन मेरे को अनुमान है कि इससे ज़्यादा नहीं पूछता है मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखा हूँ इससे ज़्यादा पूछा नहीं गया है लेकिन दोस्तों ये जो है इस प्रकार का जो क्वेश्चन बताया है सौ या सिक्स ये बहुत सारे दोस्तों को दोस्तों ध्यान में रखेंगे और उस जो मैं बताया हूँ उसको थोड़ा आप एक बार इसको आप अपने से भी थोड़ा सा देखेंगे और इससे रिलेटेड दोस्तों आप बुक में उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अगर वहाँ पर भी कहीं आपको डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट मैं आपको जरूर बताएगा दोस्तों इसी के लिए दोस्तों आप ये वीडियो मेरा समाप्त होता है दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि का वीडियो बनाने में हमको बहुत ही समय लगता है दोस्तों और एक तो सर एक तो लाइक बनता है इस मेहनत के लिए थैंक यू आपको इतने, आपका आपका इतना टाइम थैंक यू आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हमेशा स्वागत है आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों जो इसका पी का लिंक पी डी का लिंक मैं लिंक में दे दूंगा और टेलीग्राम का लिंक भी मैं बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों अगर आप मेरा ये फंडामेंटल डेविएशन बेसिक साइज एक्चुअल साइज फिटर का फिट होता है उस पर सब कुछ मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ यदि वो लेक्चर देखना चाहते हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उसका लिंक पिन अप कर दूंगा वहां से आप लोग जाके वीडियो पर डायरेक्ट चाहता हूँ थैंक यू